हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने पार्ट टू लिया है आप लोगों के लिए। पार्ट वन में बना कर दे चुका हूँ आप लोगों को बिहेवियर एज पर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपका स्वभाव कैसा होता है, किसी का भी स्वभाव कैसा होता है, आप सबको जानना चाहिए। आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी प्लस पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये 8 मेजर टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है। उसका बहुत सब टाइप है ना, डॉक्टर साहब को बेहतर बता सकते हैं आप, या गूगल सर्च में मारिएगा तो गूगल सर्च में आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बी पॉजिटिव वाले लोग कैसे होते हैं स्वभाव से और बी नेगेटिव वाले लोग कैसे होते हैं। इसको रोक के पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे से पूरा सुन लीजिएगा, जंप टू द कंक्लूजन नहीं पहुँच जाइएगा, ठीक है ना। जो कि जैसा मैक्सिमम 99% लोग करते हैं, बिना सोचे समझे कंक्लूजन पे पहुँच गए कि कुछ गलत लिखा है, मतलब गलत ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बी पॉजिटिव बारे में बता दें सबसे पहले आप लोगों को। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ये ऐसे लोग का जो क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, आपको समझना है कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। बी पॉजिटिव वाले हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार। द वैल्यू रिलेशनशिप वो फैमिली फ्रेंड्स है ना, रिलेटिव नेबर्स के साथ बहुत अच्छा, उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, इसलिए उनको कहते हैं द वैल्यू रिलेशनशिप। और दे कैन सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए बलिदान भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये उनके क्वालिटी के अंदर आता है, गुण है उनका, वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस बलिदान भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि बहुत रेयर किसी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी जो तक जहाँ तक पढ़ा है किसी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर ये क्वालिटी आती है, ठीक है। उसका बी नेगेटिव बिहेवियर जो है, आप उनसे एकदम 100% उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छा बिहेवियर आपको वो करके देंगे कि एकदम आप 100% दे तो वो भी 100% नॉट एट पार, इसके मैंने लिखा है ना, नॉट एट पार का मतलब इक्वल बिहेवियर आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। गिव एंड टेक वाले पॉलिसी पे हम अच्छा बिहेव करते हैं उनसे आप उम्मीद करते हैं। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना, सेल्फिश पीपल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसको आप गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी हालत कैसी, क्योंकि इंसान को अच्छा या बुरा क्या बनाता है, हालात बनाता है। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, हालात अगर बुरे हुए तो इंसान ऑटोमेटिक बुरा हो जाएगा, और हालात अच्छे हैं तो इंसान ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि वो बोलते हैं ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश पीपल है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए उसके बारे में 3 चीज़ें आती है। नेगेटिव एटीट्यूड सब चीज़ के बारे में रखता है, परसेप्शन रखता है, एटीट्यूड रवैया, परसेप्शन नज़रिया, 2 चीज़ें होती है हिंदी में एटीट्यूड को, वो चीज़ नेगेटिव है उसका, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है ना। और दे डोंट बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, वो किसी भी कीमत पे दूसरों का मदद करने के लिए नहीं सोचते हैं। आप कह सकते हैं कि बी पॉजिटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव फीचर्स हैं और इसके अंदर सब नेगेटिव फीचर्स हैं। क्वालिटी भी 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको आप उसको किस तरह से लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत बड़े क्रिमिनल भी बहुत अच्छे इंसान निकलते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है, वो क्राइम करता है वो अलग चीज़ है। बहुत बड़े किलर साप शूटर को भी मैंने देखा है अपने जीवन में, पढ़ा है क्राइम स्टोरीज के माध्यम से, क्राइम सोच के माध्यम से, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़े परोपकारी होते हैं, इधर से पैसा लूटते हैं उधर पैसा बांटते हैं, डकैत, पुराने जमाने चंबल के डकैत सब भी वैसे ही होते थे। डकैत का नाम सुनिएगा तो आप सबको लगेगा अरे बाप रे बाप, तो बहुत नेगेटिव क्लब किस्म का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे डकैत जो थे लूटते थे बांटते थे गरीबों में, तो ऐसा भी लोग। ये सब डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसा कि मैंने कहा हालात बुरे होते हैं आदमी बुरा नहीं होता, लेकिन हालात अगर बुरा हुआ तो आदमी बुरा हो जाएगा, और हालात अच्छे हुए तो आदमी अच्छा हो जाएगा। ये सब हालात मतलब सिचुएशन है ना, सिचुएशन के हिसाब से भी आदमी का बिहेवियर बहुत चेंज होता है और 100% चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी।